Hello everyone, I am Shivika. If you like the video, then like my video and subscribe my channel. This video is for aspirants who are preparing for PGT Home Science, CGT Home Science and the UPLT Grade Home Science exam. The exam is about to come, dates may, you know, like they may come anytime. And I have come up with one topic, that is care and storage of clothes. ओके जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम केयर करते हैं अपने कपड़ों की और स्टोर करते हैं अपने कपड़ों को. ठीक है, तो मैंने पांच क्वेश्चंस बनाए हैं. पांच क्वेश्चंस में क्या है, अगर आप पांच क्वेश्चंस ठीक से कर लोगे तो आपके कोई भी एमसीक्यू आएगा इन बेसिस पर, तो आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट एनी डाउट एंड योर आंसर विल बी श्योरली करेक्ट. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई. तो अब विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, आई गोना टेल यू हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, फिर हम इस वीडियो में खाली दो क्वेश्चंस ही कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम तीन क्वेश्चंस कवर करेंगे. तो पहला हमारा थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम क्यों ज़रूरत है हमारी क्लोथ्स को ध्यान रखने की, हमारे जो कपड़े होते हैं उनको ध्यान रखना एंड को जब स्टोर करते हैं तो कैसे हमें रखना चाहिए स्टोर को, हमें कैसे स्टोर करने चाहिए अपने कपड़े. ठीक है, तो क्लोथ्स हमें पता ही है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे बेसिक नीड्स होते हैं. अगर उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे जल्दी, है ना. तो जैसे हम अपने हेयर का रखते हैं, अपने बॉडी का रखते हैं ध्यान, ऐसे ही हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना है. सो दैट जो उनका टेक्सचर है, जो उनकी शाइनिंग है, जो उनके मतलब जो उनका फैब्रिक है, जो जैसा था पहले वो वैसा ही रहे, वो कभी उसका कलर फेड ना हो, उसकी शाइनिंग ना जाए, उसका टेक्सचर रफ ना हो जाए, ठीक है, या बेकार ना हो जाए जैसे पहले था. That is why we need to take care of our clothes, right? So here are the questions, which are, first question is, why do we need to take care of our clothes? अब हमें ज़रूरत क्या पड़ी है अपने clothes को care करने की, right? Second question will be, what are the common principles of taking care of our clothes? क्या क्या common principles हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखने चाहिए जिससे हम अपने कपड़ों के ध्यान रख सकते हैं, care कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ड्रिंग? लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, जो मेन फोकस है दैट इज लॉन्ड्रिंग. लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग का प्रोसीजर क्या है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, हम किस तरह से लॉन्डर करते हैं अपने कपड़ों को और क्या क्या हमारे एजेंट्स होते हैं लॉन्ड्रिंग के. तो इस वीडियो में खाली हम एक ही पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट, व्हाई डू वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स. ठीक है, तो हमें क्या जरूरत है. अब देखिए हमारा क्या होता है इसमें, हमारा क्या होता है, डर्टी ड्यू टू डर्ट, कपड़े गंदे हो जाते हैं. ठीक है, जब उन पर धूल लग जाती है या कोई भी, जब बाहर जाती है तो ऑब्वियसली आप बाहर जाओगे तो ऐसे तो है नहीं कि हमारी कंट्री इतनी पॉल्यूशन फ्री है या डर्ट फ्री है कि कपड़े बिल्कुल साफ ही रहें. तो डर्ट, डर्टी ड्यू टू डर्ट. सेकेंड, ग्रीस, जब भी आप ऑफिस प्लेस में काम कर रहे हो या कहीं भी काम कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो मतलब कुछ ना कुछ लग ही जाएगा ना. सपोज टेक एन एग्जाम्पल, आप अपने कार से उतरे, कार में ग्रीस लगी हुई है और आपकी ग्रीस कपड़ों पर लग गई, राइट. प्रेस्पिरेशन, पसीना, ऐसे तो है नहीं कि किसी को भी पसीना नहीं आता है, सबको पसीना आता है. सो दीज आर ऑल थ्री कॉमन थिंग्स विच मेक्स अस टू लॉन्डर आवर क्लोथ्स एंड टू टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, राइट. सो डर्टी ड्यू टू डर्ट, ग्रीस एंड प्रेस्पिरेशन, अगर हम उन्हें रखने देते हैं कुछ दिन तक, तो हमारा जो फैब्रिक है, जो हमारा कपड़ा है, वो क्या हो जाएगा, खराब. उसका लुक कैसा हो जाएगा, गंदा, एंड वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर जाएगा. सो डर्ट, डर्टी ड्यू टू डर्ट, ग्रीस एंड प्रेस्पिरेशन एक्सेट्रा, इफ अलाउड टू रिमेन ऑन क्लोथ्स देन दे विल लुक अगली एंड लूज देयर स्ट्रेंथ. सो क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, अगर ये क्वेश्चन आया भी हुआ है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, डर्टी ड्यू टू डर्ट, ग्रीस and perspiration etc if allowed to remain on cloth, what will happen? So your answer will be ugly and lose their strength. Wo ugly dikhenge and lose their strength. Yes, have you all understood now? It's easy. Theek hai, ab hamara aata hai next. Theek hai, first point hamara ye cover ho gaya. Second point kya hai hamara, इफ दे हैव स्टेन्स, अगर उनके ऊपर धब्बे हैं, देन दे कैन गेट फिक्स्ड ऑन द फैब्रिक एंड डिफिकल्ट टू रिमूव. अब आप ही सोचो, टेक एन एग्जाम्पल, आपके कपड़ों पर दाग लग जाता है लिपस्टिक का,
ठीक है, और आप उसे हटाते नहीं हो 2-3 दिन तक, तो क्या होगा? वो फिक्स्ड हो जाएगा, वो नहीं हटेगा। अब सपोज आप ये एग्जाम्पल ले लीजिए, घर का ही चाय गिर जाती, मम्मी तुरंत पूछ देती है एकदम से, क्यों? क्योंकि मम्मी आप वो अगर हम उसको तभी साफ नहीं करेंगे, फ्रेश स्टेन को साफ नहीं करेंगे, तो हमारा जो दाग है वो परमानेंट हो जाएगा, और फिर थोड़ा जो कलर है ऑफ द क्लॉथ वो हमारा चेंज हो जाएगा। राइट नाउ सेकेंड थिंग, इफ दे हैव स्टेन्स देन दे कैन गेट फिक्स्ड ऑन द फैब्रिक एंड डिफिकल्ट टू रिमूव। वो क्या हो जाते हैं? डिफिकल्ट टू रिमूव। यस, सो आपको 3 चीज समझ आ गई, अगली लूज देयर स्ट्रेंथ, एंड स्टेन्स अगर आप नहीं हटाओगे तो दे आर डिफिकल्ट टू रिमूव। समझ आ गई ये चीज? देयरफॉर वी हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आर क्लोथ्स। समझ आ गई? अब इस पर एक क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप फ्रेश स्टेन्स को, तभी हम बोलते हैं हमारे जो फ्रेश स्टेन्स होते हैं उन्हें हमें हटाना चाहिए, फ्रेश स्टेन्स को हमें इसलिए हटाना चाहिए ताकि वो हमारे फिक्स्ड ना हो, फिक्स्ड हमारे ना हो और वो डिफिकल्ट इजिली रिमूव हो जाए। समझ आ गई? सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा बच्चों? प्रिंसिपल्स के ऊपर। किसके ऊपर था? प्रिंसिपल्स के ऊपर। अब हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं, आपको ध्यान में रखना है हमारे कितने प्रिंसिपल्स हैं, 5, ठीक है। हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? हमारे हैं ब्रशिंग फर्स्ट, ठीक है, लेट मी फिक्स्ड फर्स्ट, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, क्यों हो रहा है, अब ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल इज ब्रशिंग एंड एयरिंग ऑफ क्लोथ्स, सेकेंड इज वॉशिंग, थर्ड इज स्टोरिंग, फोर्थ इज अवॉइड हैविंग सॉइलिंग एंड स्टेन रिमूवल। पहले हम पढ़ते हैं ब्रशिंग के बारे में, ये बहुत ही सिंपल है। जब आप घर पर आते हो शादी से, ठीक है, सपोज टेक एन एग्जाम्पल, आपने लहंगा पहना और आपके पापा ने पहने कोट पैंट, तो क्या मम्मी वो नेक्स्ट डे धो देंगी? नहीं। क्या मम्मी अपनी साड़ी धोएंगी नेक्स्ट डे? नहीं। तो जो डेलिकेट हमारे फैब्रिक्स होते हैं, जो हमारे डेलिकेट होते हैं, दैट इज सेंसिटिव, कहते हैं ना हम अपना फेस सर्फ से नहीं धो सकते क्योंकि बहुत हार्श है, मेरे को ये सूट नहीं करती ये साबुन या फेस वॉश, क्यों? क्योंकि वो आपके सेंसिटिव स्किन पे सूट नहीं करती है। सेम वे ब्रशिंग, तो क्या करते हैं जब मम्मी आती हैं, पापा आते हैं, आप लोग शादी से आते हो, तो आप क्या करते हो? कपड़ों को ब्रश कर देते हो, ठीक है, फिर उन्हें हवा में टांग देते हो ताकि हवा लग जाए, बिकॉज दे के नॉट बी वॉश्ड फ्रीक्वेंटली, दे के नॉट बी वॉश्ड फ्रीक्वेंटली, राइट। अब हम आते हैं 3 मेन चीज पर। 3 मेन चीज क्या है हमारे? अगर हम ब्रशिंग क्यों करते हैं? इंक्रीज देयर लाइफ, इंक्रीज देयर लाइफ फर्स्ट, ताकि उनकी इंक्रीज हो जाए लाइफ। अब इंक्रीज कैसे होगी लाइफ? अपने आप सोचो, अगर आप उनमें प्रेस्पिरेशन, जो आपकी प्रेस्पिरेशन है, जो आपकी मतलब डर्ट है, अगर आप उसे ऐसे रहने दोगे तो क्या होगा? वो आपके कपड़े का लश्चर मतलब शाइन कम हो जाएगी, टेक्सचर खराब हो जाएगा, और जो फैब्रिक जहाँ पर प्रेस्पायर कर रखा है, जहाँ पर पसीना है, वो फट जाएगा क्योंकि वीक हो जाएगा आपका फैब्रिक। सेकेंड, स्मेल एंड स्मेल, स्मेल हटाने के लिए आप क्या करते हो? उसे हवा में टांगते हो, क्विकली टोन, मैंने बता ही दिया। अगर आप पसीने वाले कपड़ों को तुरंत अलमारी में रख दोगे तो क्या हो जाएगा? वो क्विकली टोन हो जाएंगे, तो इसलिए आप क्या करते हो? उनमें हवा लगाते हो। अब ब्रश किस लिए करते हो? जो भी आपकी डर्ट है, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा चीज है, तो वो हट जाएगी। ब्रशिंग समझ आ गया बच्चों? नेक्स्ट सेकेंड, जो आप इजिली वॉश कर सकते हो, टेक एन एग्जाम्पल, आप खेल कूद कर आए तो आपकी मम्मी की जो मतलब लाइक आपके स्कूल ड्रेस है, या आपके लगा लो आप खेल कूद कर आए, आपकी शर्ट है, या आपका मतलब ये शॉर्ट्स है, योर मॉम विल गोना वॉश देम नेक्स्ट डे। आपकी मॉम क्या करेंगी? वॉश करेंगी नेक्स्ट डे, ठीक है। तो वॉश क्यों कर रही है? जो प्रेस्पिरेशन है, जो डर्ट है, जो हैवी सॉइलिंग है, वो सब हट जाएगी, वो सब चली जाएगी, दैट्स वाई वॉशिंग इज डन, राइट। अब वॉशिंग मेन थिंग ये भी है कि हम वॉश इसलिए करते हैं, अगर हम ठीक है वॉश नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो सेम चीज हमारे ब्रशिंग और एयरिंग में, वही हमारा वॉशिंग में आएगा, ठीक है। समझ आ गई ये चीज आसानी से? हम ब्रशिंग एयरिंग उसमें करते हैं जिसमें वॉश जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, और जो हम वॉश कर सकते हैं उन्हें हम वॉश करते हैं, ठीक है। थर्ड इज स्टोरिंग। अब स्टोरिंग क्या है? सर्दियों के कपड़े हैं, आप उन्हें स्टोर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएंगे, तो इसलिए आप क्या करते हो? स्टोरिंग।
तो स्टोरिंग इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द यूज, अकॉर्डिंग टू द यूज. अब स्टोरिंग से पहले हमें चीज ध्यान रखनी है. ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या ध्यान रखनी है? दे नीड टू बी वॉश्ड और ड्राई क्लीन्ड. जिन्हें वॉश करना है वॉश कीजिए, जिन्हें ड्राई क्लीन करना है ड्राई क्लीन कीजिए. अवे फ्रॉम मॉइस्चर, जब आप अलमीरा में स्टोर कर रहे हो तो दे शुड बी अवे फ्रॉम मॉइस्चर. देन जब आप स्टोर कर रहे हो अलमीरा में, तो आपको नीम लीव्स, फिनाइल बॉल्स, जो भी मार्केट में इंसेक्ट रेपेलेंट्स, इंसेक्ट को भगाने वाली, इंसेक्ट्स को पास ना लाने वाली जो गोलियां होती हैं या कोई भी चीज़ होती है, तो आप उसे अलमारी में रख सकते हो. ये समझ आ गई सारी बच्चों चीज़ें? ठीक है. फोर्थ पॉइंट, अवॉइड हैवी सॉइलिंग. अवॉइड हैवी सॉइलिंग बोले तो जो हैवी मतलब ज़्यादा सॉइल हो, ठीक है, उसे आपको वॉश करना है, तभी उसको आपको वॉश करना है. अब आप एग्जाम्पल ले लो, आप एक सीट पे बैठे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो आपके उसी पोर्शन में मिट्टी लग गई, हैवी सॉइलिंग हो गई. आप उसे घर पर आते हो, तय बना के अलमारी में रख देते हो, तो उससे क्या होगा? हमारा जो कपड़े के शाइन है, जो कलर है, वो तो बदल ही जाएगा ना. इसलिए वी नीड टू बी, यू नो, वी नीड टू मेक श्योर कि जहाँ पर गंदगी हो वहाँ पर हम साफ करके बैठे हैं. अगर हम बैठ भी गए हैं, नहीं बच पा रहे हैं, तो हम उसे वॉश कर दें, हम उसे वॉश कर दें, सो दैट हैवी सॉइलिंग कैन बी रिमूव्ड एंड इट मेक्स योर फैब्रिक और क्लोथ शाइन एंड डू नॉट लूज एनी लस्टर. समझ आ गई ये चीज़ आपको अच्छे से? ईजी. नाउ वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसे कैसे कर सकते हैं, स्पॉइलिंग को आप कैसे हटा सकते हो? हैंड बाय हार्ड रबिंग, बाय हार्ड रबिंग. ठीक है. नाउ एक चीज़ और, अगर आपने सोचा चलो मैं आज नहीं धोता हूँ, मैं एक बार और पहन लेता हूँ कपड़े और फिर मैं दूसरी बार धो दूंगा, आपने ये कर लिया, अब उससे क्या हुआ? सॉइल तो सेटल हो गई ना कपड़ों में. अब उसके बाद क्या करोगे? आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा सॉइलिंग हटाने के लिए. फर्स्ट चीज़, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी एंड मेहनत भी ज़्यादा होगी और साबुन भी ज़्यादा लगेगी, साबुन या सर्फ जो भी होगा. तो इसलिए जब भी हैवी सॉइलिंग होती है, तुरंत आफ्टर वन वेयर यू हैव टू वॉश इट, अदरवाइज दिस विल लीड टू इंक्रीज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड लेबर एंड प्लस सोप ऑल्सो. दैट इज वाई क्लोथ शुड बी वॉश्ड बिफोर दे गेट टू सॉइल्ड. अंडरस्टैंड नाउ? इट्स ईजी. यस. नाउ सेकेंड, स्टेन रिमूवल. अब बेबीज हमारा क्या है, स्टेन रिमूवल है. ठीक है. स्टेन रिमूवल में क्या करना है हमारा, जो भी हमारे धब्बे हैं वो हमें हटाने होते हैं, फिर उसके बाद हम धुलाई करते हैं कपड़ों की. अब स्टेन रिमूवल हम कैसे हटाते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा आपका स्टेन है. ठीक है. और हम इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, स्टेन रिमूवल. ठीक है. जिसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, किस तरह से हम हटा सकते हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. सो वी गोना स्टडी अबाउट स्टेन रिमूवल इन आर नेक्स्ट वीडियो, दैट विल बी फोकसिंग ऑन स्टेन रिमूवल. ठीक है. फर्स्ट, सेकेंड, इट विल बी फोकसिंग ऑन हाउ यू विल गोना, व्हाट यू विल बी लॉन्ड्रिंग एंड हाउ विल यू लॉन्ड्री योर क्लॉथ्स एंड लास्ट विल बी एजेंट्स. इसमें से तो पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है. इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. I'll be surely coming up with the next video very soon. Till that time, study all these things and solve the questions. Okay. Bye-bye. Take care.